नमस्ते बच्चों, आज हम 5.3 करेंगे। 5.3 के हम 11 सवाल कर चुके हैं। 12 सवाल देखिए आप। 5.3 12 नंबर क्वेश्चन। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। जो 6 से विभाज्य हो। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 6 से विभाजित हो। ठीक है, 40 धन पूर्णांकों का। तो पहला 6 × 1 करो, 6 × 2, 6 × 3 ऐसे करके, और 6 × 40 तक लेना है आपको। तो 6 × 6, 6 × 12, 6 × 3 = 18, और ये 6 × 4 = 24, और 240 हो जाएगा। ठीक है, ये एपी बन गया मेरे पास। ये क्या आ गई? एपी आ गया मेरे पास। अब प्रथम पद इसमें क्या होगा? ए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा? 12 - 6 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एन अपने को दे ही रखा है, कितना है? 40 है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? योग ज्ञात करना है। एस एन का सूत्र लगाना है इसमें। एस एन बराबर क्या होगा? n/2 ए प्लस ए एन का सूत्र लगाना है। ठीक है, एस एन बराबर एन का मान कितना है? 40, 40/2 लिख दीजिए। ए का मान कितना है? 6 है। प्लस ए एन कितना हो जाएगा? ए एन 240 है। यहां लिख देना, ए एन बराबर 240 है। यहां लिखोगे 240, ये 20 आ जाएगा। 240 और 6 जोड़ लीजिए, 246 हो जाएंगे। ठीक है, दो की गुणा कर दीजिए इसमें, 0 पहले आ जाएगा, 2 × 6 = 12, असल 1, 24 × 48 और 1 × 49, 4920 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 12वां क्वेश्चन हो चुका है। 12वें क्वेश्चन में इतने आंसर आएंगे, 4920 आंसर आ जाएंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ओके। अब हम 13वां क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखना। तेरहवां क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 13वां क्वेश्चन, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8 का प्रथम है तो इसी तरह पहले किया, 8 × 1, 8 × 2, ठीक है, डैश डैश करके 8 × 15 लिख देना यहाँ पर। 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24 आ जाएगा, ऐसे कर करके 15 × 8 = 120 हो जाएगा। और a बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। d बराबर 16 - 8 कितने हो जाएंगे? 8 आ जाएगा। n कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा। और ए एन कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब आपको एस एन का सूत्र लगाना है इसमें। एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस ए एन, ये सूत्र लगाना है। तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा? एन का मान कितना है? 15, 15/2 कर देना। ए का मान कितना है? 8 है, 8 लिख देना। ए एन कितना है अपने पास में? 120 है, 120 लिख देना यहाँ। 15/2 इंटू 120 में 8 जोड़ दिए, 128 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, 6 और 4 आ जाएगा, 15 × 64 हो जाएगा,
पंद्रह से गुणा कर दिए, पंद्रह चौके साठ, हासिल छ, पंद्रह छ कितने होते हैं नब्बे, नब्बे और छ कितने होते हैं छिन्न में, नौ सौ साठ आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 960 तेरहवा क्वेश्चन, 960 आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब हम चौदह क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, चौदह नंबर क्वेश्चन। चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए, जीरो और पचास के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चौदह नंबर क्वेश्चन है, जीरो और पचास के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखना, जीरो और पचास के बीच की विषम संख्या लेने, पहली विषम संख्या एक हो जाएगी, फिर तीन, पांच, ऐसे जैसे लास्ट में कितनी आ जाएगी, पचास आ जाएगी। ठीक है, एक का मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, डी कितना हो जाएगा, तीन माइनस एक दो आ जाएगा। एन बराबर, एन कितना है विषम संख्याओं का, तो एन अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, एन अपने पास दिया हुआ नहीं इसके अंदर, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो हमें पहले ये क्या दे रखा है, ए एन दिया हुआ है, ए एन अपने पास में कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ए एन ज्ञात कर लेते हैं इससे। ए एन ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 49। ए का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, एक दिया हुआ है, एक प्लस एन माइनस एक, डी का मान कितना है, दो हो गया, बराबर 49 आ गया। ठीक है, याद कर लो, एक प्लस इसको दो से गुणा, दो एन माइनस दो बराबर में 49 हो गया। ठीक है, या लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, दो एन माइनस एन में से दो में से एक जाएगा, माइनस का एक बच जाएगा, बराबर कितने हो गए 49, या बराबर टू एन बराबर 49, ये माइनस का उधर आ जाएगा, प्लस का एक हो जाएगा, टू एन बराबर कितने हो गए 50, एन बराबर कितना हो जाएगा 50 बट्टे दो, एन बराबर कितना आ जाएगा 25 आ गया। ठीक है, अब योग याद करना है अपने को, तो Sn याद करना है, क्या याद करना है, Sn n बटा दो a प्लस an हो जाएगा। n अभी याद किया, कितना आया था अपने पास 25 आया ना, तो 25 बटे दो लिख दीजिए, a का मान कितना है, एक है उतार लीजिए, और an कितना है 49 है, उतार लीजिए 49, 25 बटे दो इंटू 49 रे कितने हो गए 50, 25 पंजे 125 होते ही हैं, एक जीरो और साथ लगा दे 1250 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये चौदह नंबर क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो 11, 12, 13, 14 ये चार क्वेश्चन हम लोगों ने, तीन क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, धन्यवाद, ओके।